नया शहर के एपी कॉलोनी स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के समीप श्याम मेमोरियल हॉस्पिटल गया का टाउन विधायक सहपुर मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर गया टाउन विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि मुझे अपार खुशी है कि पावन धरती गया शहर में सभी सुविधाओं से लैस अस्पताल का शुभारंभ हो रहा है। अब मरीजों को पटना, रांची, बनारस, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं है, अब उन्हें सारी सुविधा उनके शहर में मिलेगी। वहीं श्याम मेमोरियल हॉस्पिटल प्रबंधक डॉक्टर संदीप कुमार ने बताया कि सेवा भाव के उद्देश्य से पत्नी के साथ मिलकर अपने पिता की स्मृति में हॉस्पिटल का शुभारंभ किया हूँ। पहला प्राथमिकता होगा कि यहाँ से कोई भी मरीज पैसे के अभाव में लौट कर नहीं जाएगा, उनका हर संभव इलाज किया जाएगा। इस हॉस्पिटल में सभी तरह के इलाज किए जाएंगे और खासकर हड्डी रोग और शिशु रोगों का विशेष व्यवस्था की गई है। कम से कम पैसे में हम लोगों की मरीज का इलाज करेंगे और जहां तक गरीब तबके के मरीजों को जो पैसे देने में सक्षम नहीं होंगे उन्हें समुचित इलाज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीटी न्यूज। कोई भी अस्पताल खोला जाता है तो एक भाव सेवा का जरूर रहता है, ठीक है, बिजनेस एक पार्ट होता है लेकिन सेवा का भाव जरूर रहता है। और उसी भाव से हम दोनों ने, मैंने और मेरी पत्नी डॉक्टर योगिता ने, इस हॉस्पिटल खोला है। मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ और ये शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। तो हम लोग कम से कम कॉस्ट में, कम से कम पैसे में ये सुविधा देने की कोशिश करेंगे। और एक जो डिक्टम है हमारा, पंचलाइन है हमारा हॉस्पिटल का, एक बेस लाइन है कि कोई भी मरीज पैसे की कमी के कारण हमारे हॉस्पिटल से बिना इलाज करके नहीं लौटेगा। नो पेशेंट शुड गो विदाउट ट्रीटमेंट ड्यू टू लैक ऑफ मनी। क्या क्या फैसिलिटी है इसमें? मेडिकल शॉप है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, इमरजेंसी है, एक्सरे है, ओपीडी होती है, दोनों की राउंड द क्लॉक 24 आवर हम लोग अवेलेबल रहते हैं, पास में ही रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। नीचे में लिफ्ट की व्यवस्था है, पैथोलॉजी है, ऊपर में वार्ड है, जनरल वार्ड है, प्राइवेट रूम्स हैं। कुछ ऐसे मरीज जो कि सुविधा ज़्यादा खोजते हैं उनके लिए एसी कमरे हैं। उसके ऊपर मेजर ओटी, माइनर ओटी, दो तरह के ओटी हैं, एक आईसीयू है और एक एनआईसीयू है। और उसके ऊपर हम लोगों ने कैफेटेरिया भी रखा है और उसके ऊपर में बच्चों के यहाँ स्टाफ जो रहते हैं उनके रहने के लिए। मुझे अपार खुशी हो रही है कि गया जी के पावन धरती पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोक चिकित्सक संदीप कुमार सिन्हा जी के द्वारा अपने पिताजी के स्मृति में आज श्याम मेमोरियल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है, ताकि आने वाले समय में गया एक बड़ा तीर्थस्थल है जहाँ पूरी दुनिया कोने कोने से लोग आते हैं। एक और जहाँ बौद्ध धर्मावली, हिंदू धर्मावली का मतलब आस्था कद भगवान बुद्ध ज्ञान शैली बुद्ध गया है, वही अंतरशल फल नदी किनारे भगवान विष्णु की नगरी में लोग आते हैं, माँ मंगला गौड़ी। तो ऐसे बड़ा तीर्थस्थल गया है, एक बड़ी आबादी आती है सालों पर, वही गया की आबादी बढ़ रही है, अब गया कमिश्नरी हो गया करके। मुझे खुशी है कि डॉक्टर संदीप जी के द्वारा एक बेहतर प्रयास किया गया है कि यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे बेहतर काम किया जाए, ताकि उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े जा करके। लंबा इनका अनुभव है और इस सेक्टर में उन्होंने लंबे समय से काम किया है जा करके। तो आज जो इनका एक प्रयास जा करके है, आने वाले समय में गयावासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और ऐसे समय में हुआ है, पूरा देश आजादी का। पटना के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू, एचडीयू, ओटी, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का, आईटीआई, NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।